न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। बात मध्य प्रदेश की तमाम खबरों की। सबसे पहले सतना का रुख करते हैं जहां यात्रियों से भरी बस पलट गई। हादसे में बस सवार 10 यात्री घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैयर बाईपास के संगम बेला पर यह हादसा हुआ है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सतना में यात्रियों से भरी बस पलट गई जिसके बाद यह हादसा हुआ। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल सभी का इलाज जारी है। मैयर बाईपास के संगम बेला पर ये हादसा हुआ है। तो हादसे में बस सवार 10 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। सतना से बड़ी खबर आपको बता दें, मैयर बाईपास के संगम बेला पर यह हादसा हुआ। यात्रियों से भरी बस पलट गई। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, पलटी हुई बस नजर आ रही है। 10 सवारी घायल बताए जा रहे हैं। सजल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सजल, कितने बजे की ये घटना बताई जा रही है, कैसे हुआ हादसा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, घटना बीती रात की है जहां पर खागा से नागपुर जा रही थी बस। यहां पर सतना मैयर बाईपास के पास अनियंत्रित होकर बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पलट गई। इस घटना में लगभग 8 से लोग यात्री घायल हुए हैं जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उपचार जारी है। वहीं सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। जी फिलहाल यात्रियों की क्या जानकारी निकल कर सामने आ रही है, कितनी महिलाएं बताई जा रही है, बच्चे भी शामिल है क्या? नहीं, इसमें कुछ महिलाएं और कुछ बच्चे हैं जिनको व्यवस्था करके पुलिस भिजवा रही है। संख्या कितनी है सवारियों की? 8 से 10 के बीच। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सजल आपका। तो सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में 10 यात्रियों के घायल होने की खबर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिलहाल सभी का इलाज जारी है। ये जानकारी आपको बता दें कि दरअसल अनियंत्रित होकर बस पलटी जिसके बाद यह हादसा हुआ।